चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिलेबस रिड्यूस को लेकर स्टूडेंट में काफी सारा कंफ्यूजन है कि क्या 21 का सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा नीट के लिए या जेई के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि नीट 21 के लिए कोई किसी प्रकार का सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। आपको पूरे सिलेबस से ही पढ़ना है, क्योंकि कुछ दिन पहले एनटीए डायरेक्टर श्री विनीत जोशी का इंटरव्यू आया था, उसमें ये कहा गया था कि नीट 21 का कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो सिलेबस रिड्यूस है उसी में से आएगा, तो उनका कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से जेईई मेन के 90 क्वेश्चंस में से आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं, इसी प्रकार का ऑप्शन नीट 21 के एग्जाम में भी दिया जाएगा। 180 जो क्वेश्चन आते हैं इसकी जगह आपको 150 या फिर इससे भी कम क्वेश्चन करने के लिए बोला जाएगा, और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है 4 मार्क्स वो बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार का प्रोविजन रखा जाएगा, लेकिन जो आपका एग्जाम है वो पूरे सिलेबस में से ही आएगा। तो आपने अभी तक पूरा सिलेबस ही पढ़ना है। मैं ये पहले बता चुका हूं कि ये सारा जो है वो पॉलिटिकल इश्यू है, इस पर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा। आपने पूरा ही सिलेबस पढ़ना है। जब तक एनटीए की तरफ से इंफॉर्मेशन ब्राउचर में कोई सिलेबस से आ जाता है, उसके बाद ही आपको ये क्लियर मानना है कि ये सिलेबस रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। जहां तक मेरा आइडिया है, इस बार सिलेबस कोई रिड्यूस नहीं होगा। आपको किसी भी इस प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि नीट 21 का सिलेबस रिड्यूस होगा, हमें किस टॉपिक से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ये अभी तक कोई आपको सिलेबस रिड्यूस का कोई प्रोविजन नहीं है। आपको फुल सिलेबस से ही तैयारी करनी है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि सिलेबस रिड्यूस के चक्कर में ना रहें, आप फुल सिलेबस की तैयारी करें। बाकी कुछ ही दिनों में इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आ जाएगा। अभी 10 या 5 दिन के अंदर अंदर ही इसकी अनाउंसमेंट होने की संभावना है कि 21 नीट का एग्जाम कब होगा। तो जैसे ही इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।